कि ये समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है, बाकी कांग्रेस है, अन्य पार्टियां हमें, कांग्रेस तो ऑलरेडी 60 सालों से मुझे छल रही है, सपा बसपा अभी तो अभी हाल की नई पार्टियां हैं, लेकिन इन लोगों ने भी मुसलमानों को सिर्फ छलने का काम किया, धोखा दिया है और हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमें हमेशा भ्रमित किया। आज हम मुसलमान भाई एक होकर हमने सपा बसपा कांग्रेस को ये दिखा दिया कि हमारी भी कोई ताकत है, हम भी ताकत रखते हैं परिवर्तन करने के, बदलने की। और इसलिए अबकी बार मोदी सरकार, इन भारत सरकार आपकी इंडिया में, हमारा भारत दिल्ली में हमारा मोदी सरकार बना दिया है, इस बार 2 साल के बाद इसको सपा सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ स्थापित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मुलायम सिंह ने भी हमेशा मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। और आज मुसलमानों के भी आंख खुल चुकी है पूरी तरीके से। हम लोग बीजेपी के संग में हैं और हमेशा साथ में रहेंगे, और हमें विश्वास पूरा है कि नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के सभी लीडर मुसलमानों और पूरे देश के लिए एक अच्छा काम करेंगे। यहाँ का हर युवा, हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई चाहता है यहाँ धर्म की राजनीति ना हो, यहाँ विकास की राजनीति हो, और सिर्फ विकास की राजनीति हो। इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में होगा, अब जनता समझ चुकी। इसीलिए यूपी में आज देखिए, चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी हो, सबको जड़ से उखाड़ फेंक दिया है। हमारा मोदी जी के बारे में ये कहना है कि आज एसआईटी वाले ने भी क्लीन चिट दे दिया है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दिया है, और सीबीआई वालों ने भी क्लीन चिट दिया है। तो हम मुसलमानों को भी समझना चाहिए, हम मुसलमान पहले हैं, उसके हम मुसलमान हैं, पहले हमको ये भी सोचना चाहिए हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हमको यहाँ की अदालत का भी विश्वास करना चाहिए, जब अदालत ने कह दिया उसको मानना चाहिए। सिर्फ ये नेता लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहुत सारी।